मित्रों नमस्कार, सुरीला म्यूजिकल में आपका स्वागत है। मित्रों आज आप लोगों के लिए एक दो लाइन का कलकत्ता का बना हुआ बास मेल लीड का 3.5 सप्तक का हारमोनियम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हारमोनियम है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके कीबोर्ड से। आप देखिए इसका फिंगर बोर्ड देखिए, ये कैमरा एक्चुअली इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ये इतना शाइनी है। ये एक्चुअली क्रिस्टल टाइप का मटेरियल है और उसके अलावा ये इस पे येलो कलर की ये कीज़ बनाई गई हैं। थोड़ा सा वाइटिश आ रहा है इसमें लाइट की वजह से। और ये सामने से आप देखेंगे तो ये इसके स्टॉपर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एयर स्टॉप्स और 5 ड्रोन्स। और साइड से देखेंगे तो ये है इसका साइड का व्यू। साइड से भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये इसके हैंडल्स हैं, ये नॉर्मल हैंडल्स हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद पीछे से देखेंगे तो ये है इसका पीछे का वाल, और वाल पर मॉडर्न म्यूज़िक लिखा हुआ है। ये मॉडर्न म्यूज़िक एक्चुअली कोलकाता की कंपनी है जहाँ का बना हुआ ये हारमोनियम है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मॉडर्न म्यूज़िकल हाउस शायद ऐसा लिखा हुआ है बंगाली में, और एक स्टिकर यहाँ लगा हुआ है। ये मल्टीफोल्ड बिलोज हैं जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये टॉप उसी तरह से जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं उसी तरह से इसका टॉप भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और इसका ये सॉरी इसका ये कपड़ा वगैरह नया लगाया गया है। ये इसकी इंग्लिश कीज़ हैं, कीज़ भी बढ़िया कंडीशन में हैं। ये इसके कैचर्स हैं जिस पर ये थोड़ा अलग टाइप का मटेरियल लगाया गया है। इसके दूसरी साइड दिखा देते हैं आपको, ये आप देख लीजिए, ये पूरा हारमोनियम फ्रेश कंडीशन में है। हालांकि ये कम से कम 40 साल पुराना हारमोनियम है लेकिन कंडीशन अच्छी है, और कंडीशन अच्छी इसलिए भी है कि इसकी पूरी सर्विसिंग की गई है। आइए दिखाते हैं आपको इसकी रीड्स, और रीड्स इसकी बहुत बड़ी खासियत है। आप इसको देखिए, अगर फोकस कर पाए हम तो आप देख पा रहे होंगे जीवनलाल कांजी मिस्त्री। ये देखिए जीवनलाल कांजी मिस्त्री और कैजरियल पालिटाना फर्स्ट क्वालिटी। तो ये पालिटाना की फर्स्ट क्वालिटी की रीड है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की रीड होती है ये। इसका टोन भी अच्छा आता है, सुरों की स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया रहती है, और ट्यूनिंग भी बार बार कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम ब्रांड की रीड मेल की भी है, और ये भी आप देखिए ज़्यादा घिसे नहीं गए हैं, मुश्किल से एक या दो बार के ट्यून किए हुए रीड्स हैं ये, और सब बढ़िया कंडीशन में है। 42 रीड्स एक लाइन में, तो ये दो लाइन बास मेल की रीड्स, और उसके बाद ये आप देख रहे होंगे इसका स्टॉपर बोर्ड। इसमें आप देखिए ये जर्मन सेलुलॉइड का थोड़ा सा यूज़ किया गया है, तो ये इसके ओवरऑल डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये हो गया इसका रीड और रीड बोर्ड। उसके बाद अब बारी आती है इसकी आवाज़ सुनाने की, तो आइए आपको सुना देते हैं इसकी आवाज़। थोड़ी सी ट्यूनिंग के
इसकी हवा फिटिंग भी बहुत अच्छी है और थोड़ी सी ट्यूनिंग की आवश्यकता है, वो हम कर देंगे। और काफ़ी खूबसूरत हारमोनियम है और ख़ूबसूरत आवाज़ के साथ में है। लकड़ी भी इसकी बहुत अच्छी है, प्योर टीक वुड में बना हुआ हारमोनियम है। तो अगर ये हारमोनियम आपको पसंद आता है और आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इसको बुक कर सकते हैं। जब तक टाइटल में सोल्ड आउट नहीं लिखा है तब तक ही हारमोनियम उपलब्ध मानिएगा। जब हारमोनियम बिक जाता है तो हम टाइटल में सोल्ड आउट लिख देते हैं। सोल्ड या सोल्ड आउट का मतलब है कि अब वो हारमोनियम बिक चुका है, उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद।